अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। अमेठी, केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति मृतक बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंची उसके घर। स्मृति ईरानी मृतक बच्ची के परिजनों से मिलकर कर शोक संवेदना किया व्यक्त। गुरुवार को 5 वर्षीय बच्ची की दुकान से सामान लेकर लौटते समय रास्ते में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबने से बच्ची की मौत हो गई थी। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्ची के परिजनों से मिल हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं मौके पर मौजूद रहे जिलाधिकारी अरुण कुमार से 4 लाख की धनराशि सरकारी मदद देने को कहा। जायस कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के वार्ड नंबर 11 की थी यह घटना। ब्यूरो चीफ अंकित यादव। नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 3 बच्चे दलित के मर गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी इंसाफ दे। हो आए मैडम, हुए हुए, बहुत बहुत बहुत। नहीं 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 मैं मना कर रहा हूँ। हाँ वही तो वही इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज के साथ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।